गुड मॉर्निंग। डे थ्री ऑफ 2024। कल जिम में खुद को देखा मिरर के अंदर तो पता चल गया कि क्यों वर्कआउट ज़रूरी है। इसलिए आज सुबह जल्दी उठ के स्टार्ट कर देंगे। और वर्कआउट से ज़्यादा ज़रूरी है वॉकिंग, क्योंकि वेट लॉस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कार्डियो। तो आज जिम स्किप करेंगे, हो सकता है शाम को जिम करूं, और आज करते हैं वॉकिंग 1 घंटा सुबह सुबह। अभी 7:30 हुए 8:30 तक, और बाकी रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। 100+ सब्सक्राइबर हो गए 2 दिन के अंदर ही अच्छा है। कल के व्लॉग में जिम में खुद को देखा मिरर के अंदर, फुल व्यू मिरर के अंदर, तो समझ में आ गया कि जो खुद की एक परसीव्ड नोशन है और एक जो रियलिटी है उसमें कितना डिफरेंस है अब समझ में आया कोई भी कपड़े फिट क्यों नहीं आ रहे हैं, सिवाय 1-2 जीन्स के जो डबल एक्सेल है। पर फ़ायदा ये है कि अभी सर्दियाँ हैं तो जैकेट के अंदर पॉन्च दिखती नहीं है। तो अभी हैं 45 डेज 60 डेज जब तक जैकेट चलेंगी फरवरी तक, तब तक फ्लैट आउट करना है सारा हो जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं वॉकिंग। फॉग है आज काफ़ी, ये देखो अभी टाइम भी 7:30 हुआ है ना, तो क्या भयंकर फॉग है। बात टेम्परेचर होगा 10-11 डिग्री मैक्सिमम अभी। एक चीज़ जो रियलाइज़ करी है ना, जब लोग कैमरा पे होते हैं दे बिकम एक्स्ट्रा नाइस क्योंकि उनको पता होता कोई देख रहा है। कितने लोग वो एक अलग मैटर है, लाइव स्ट्रीम हो रहा है या यूट्यूब पे डलेगा, पर व्हेन पीपल नो दे आर बीइंग वॉच्ड दे आर नाइस। जो गॉड का कॉन्सेप्ट था वो भी तो यही था ना, Somebody is watching you 24/7। पर जैसे जैसे एथीज़म की तरफ लोग बढ़ गए, मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट गॉड इज़ GoPro और गूगल और कोई भी ऐसी इंटरनेट कंपनी जो पूरे वर्ल्ड को वॉच कर रही हो 24/7 और सुन सकती हो। क्योंकि डीप डाउन जनरली लोग इंसान अच्छे ही होते हैं, तो जब उसको पता चलता है कि दे आर बीइंग वॉच्ड तो एक ऑटो करेक्ट खुद में अपने आप आ जाता है। भयंकर ठंड है वैसे आज, कल जब जिम के मिरर में, फुल व्यू मिरर में खुद का देखा एडिट करते टाइम खुद की पूरी पोर्ट्रेट माइंड ब्लोन। जब लोग बोलते हैं ना कि यार तूने थोड़ा वेट गेन कर लिया, तो आदमी थोड़ा ऑफेंड हो जाता है, बोलता अरे नहीं यार सर्दियाँ इधर को जैकेट में लग रहा होगा, लेकिन जब आदमी खुद को देखता तो परसीव्ड रियलिटी और रियलिटी के बीच का जो डिफरेंस है वो गायब हो जाता है। थैंकफुली हैं अभी 2 महीने, जब तक जैकेट के अंदर पॉन्च छुप जाएगी 2 महीने में तो आराम से कम हो सकता। सिंपल है, रोज़ के 10,000 कदम पूरे करो, बहुत है। 8,000 10,000
और थोड़ा डाइट पे कंट्रोल हो जाना चाहिए। सर्दियों का मौसम, इतने सारे OTT, वाईफाई की इतनी अच्छी स्पीड, इतनी कोजी रजाई वगैरह, इंस्टामार्ट पे जो खाना मंगाओ स्विगी से ऑटोमेटिकली 2 महीने अगर इन सर्दियों में निकल गए इसी तरह इसी रूटीन में, और फिर लेट सोना। कल 12 बजे सो सकता था मैं, पर फिर वो 2 घंटे जो डूम स्क्रोलिंग होती है ना ट्विटर पे, देख ही जा रहे हो, फीड देख ही जा रहे हो, और जब आंखें बस अब बंद हो नहीं रही तो फिर एंड में क्रैश होता आदमी, और फिर वो लैपटॉप ही बेड पे ही रह जाता है, और फिर इतनी सी जगह में सोता है कि कहीं करवटली तो कहीं गिर ना जाए बेड से नीचे, क्योंकि उस टाइम फिर क्रैश टाइम के अंदर इतनी भी वो नहीं होते कि इसको उठा के रख दें। आज 3 जनवरी है ना, अभी तो न्यू ईयर का ही बुखार धीरे धीरे उतरेगा, सकरात तक सही हो जाएगा सब, थोड़ी धूप भी निकल आएगी, थोड़ा टेम्परेचर भी डाउन होगा, लोहड़ी के बाद लोग थोड़े सही हो जाते हैं, फॉग भी कम हो जाएगी। बेस्ट महीना है मई, सुबह 5 बजे दिन निकलेगा, शाम के 8 बजे तक सन सही है, सबसे प्रोडक्टिव मंथ में से एक। इसलिए कभी नोटिस किया होना तो जो मई के अंदर मूवीज़ भी रिलीज़ होती हैं बहुत सारी ऐसी हैं जो अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा कमाती हैं, उसका रीज़न है शोज टाइमिंग बढ़ जाती है, डेलाइट बहुत है। अभी सर्दियों में तो क्या है, 8 बजे तक तो रजाई से निकलने का मन नहीं करता, उसके बाद 10 बजे तक तैयार होते हो, 5 बजे वापस, 6 बजे तक ही रहती है सनलाइट। पर एक शहर में कितने मौसम है देख ले, सर्दी भी गर्मी भी मानसून भी ऑटम भी। सर्दी का पता लगाना है कि सर्दी चली गई है, जिस दिन पैराशूट का वो कोकोनट ऑयल जमना बंद हो जाएगा ना उस दिन समझ जाओ सर्दी चली गई। अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा उसमें, कम से कम 2 हफ्ते और, शायद महीना भी।
सुबह 8 बजे लोग काम पर निकल जाते हैं। जिम से म्यूजिक की आवाज़ आ रही है तेज तेज देखते हैं क्या ऑक्यूपेंसी है। द ग्रेट न्यू ईयर रश लग तो रहा है यार, काफी लोग हैं। या सिर्फ ये एक भ्रम है, एक एक तो स्पॉट हो गया। अरे कॉपीराइट आएगा, चलो फिर देखते हैं। कितना, आधा घंटा वॉक तो हो गई होगी यार। द की इज कंसिस्टेंसी। अरे किधर से यार, खुला हो खुला हो खुला। फिलहाल तो कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन कितनी ज़्यादा देर करना है। आधा घंटा फर्स्ट डेट काफ़ी है, शाम के एंड तक 8,000-10,000 स्टेप हो जाने चाहिए। कितने, 2,000-3,000 तो हो गए होंगे, अभी शायद 4,000। फर्स्ट डे 8,000 कंप्लीट हो गए थे, कल नहीं हुए 8,000 कंप्लीट। लोगों ने करा तो है स्टार्ट जिम 1 जनवरी को, एक रीसेट बटन टाइप है ना न्यू ईयर, एक मौका है दोबारा से लाइफ रीसेट करने का। हेल्थ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली हेल्थ, ज़्यादातर न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, हेल्थ ही तो है। पर जैसे हर मशीन में एक लिमिटेड लाइफ होती है, वैसे रीसेट बटन भी लिमिटेड ही है। 2024 वाला रीसेट बटन, ये भी जिम है, अनदर जिम गोयर।
नाश्ते में क्या बना रहे?
आज तो डेविड वार्नर का लास्ट टेस्ट मैच भी है। भैया ने कर लिया नाश्ता? गुड मॉर्निंग ब्रो। इसको 24 घंटे रखना था क्या गद्दे को? कैसी चल रही है मार्केट? कैसे हैं आज प्रिडिक्शन मार्केट के? फिर भी अभी तो बहुत टाइम स्टार्ट है। कितने? 9:30 बजे? 9:30, 9 बजे 9 बजे स्टार्ट हो जाती है। डेविड वॉर्नर की कैप चोरी हो गई। चल ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ थोड़ी देर में, काम पे। ओके बाय ब्रो। कितने बजे खत्म होगी? 3:30? क्लिनिक जाएगा शाम को? ओके। दे दो नाश्ता।